Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will show you how to rewind a washing machine motor. In this video हम जानेंगे कि वॉशिंग मशीन की मोटर है उसको हम कैसे रिवाइंड करते हैं. In my hand this is Samsung washing machine spinner motor like a dryer. ये Samsung की एक ड्रायर की मोटर है. आज हम इसको वाइंड करना सीखेंगे. फ्रेंड्स, ये जितनी भी वॉशिंग मशीन्स आती हैं जो सब की जो वाइंडिंग होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और इनकी जो स्टैम्पिंग होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले कॉइल बनाने स्टार्ट करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा हो और आपको भी फुली वाइंडिंग का पता चल जाए. Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today I will show you how to rewind a washing machine spinner motor. Friends, आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन की ड्रायर की जो मोटर है उसको कैसे रिवाइंड किया जाता है. ये देखिए मेरे पास एक वॉशिंग मशीन के ड्रायर की मोटर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दो स्लॉट छोड़ के हम कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे. ये देखिए हमारा पहला कॉइल डल चुका है. बीच में एक स्लॉट छोड़ के हम दूसरा कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे. एक कॉइल छोड़ दिया. इसकी रनिंग की पिच रहेगी 4 और 6. हम दूसरा कॉइल डाल रहे हैं. फ्रेंड्स, ये एक 1440 RPM की मोटर होती है. 4 पोल में ये रिवाइंड होती है. हम चारों कॉइल इकट्ठे बना लेते हैं ताकि हमें बीच में जॉइंट ना लगाने पड़े. हम तीसरा कॉइल डाल रहे हैं. फ्रेंड, इसके रनिंग में जो टर्नें रहेंगी
वो होंगी 140 140 और इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा वो रहेगा 31 यानी कि 31 नंबर। 104 और 106 पिच बनाइए, 31 नंबर से वाइंड कीजिए, पिच रखिए 104 और 106 और टर्न डालिए इसमें 140 140। चार पिच में कॉइल को एक बार घुमाना है, छह पिच में कॉइल को दो बार घुमाना है। ये देखिए हमारे चारों कॉइल डाल चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है ऊपर वाले कॉइल डालेंगे। सो मैं इसके वो टेप लगा लेता हूँ, फिर ऊपर वाले कॉइल डालने स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हम टेप लगाएंगे कॉइल को, ये जो टेप है जो सेपरेशन का काम भी थोड़ा थोड़ा करती है। अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी की टेप है तो सेपरेशन की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके स्टार्टिंग कॉइल डालने स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मैंने स्टार्टिंग के चार कॉइल बना लिए हैं ऑलरेडी। अब मैं इसके जू काटूंगा ऊपर डालने के लिए, आप अपने पास से भी काट सकते हैं और आप बने बनाए जू भी इसके मिल जाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले कॉइल डालना। सबसे पहले पत्ती की हेल्प से हम जू नीचे करेंगे।
और अगर आपने इसका रनिंग का पार्ट नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको पूरी मोटर के बारे में इन्फॉर्मेशन डल जाए। बीच में दो स्लॉट छोड़ के हम कॉइल डालेंगे। स्टार्टिंग की पिच और रनिंग की पिच की इतना सेम ही रहेगी, 1 से 4, 1 से 6। ये देखिए हमारा पहला क्वाइल डल चुका है, पिच हमने रखी 1 से 4 और 1 से 6। 6 में क्वाइल को हमने 2 बार घुमाया है, 4 में 1 बार। आप हैमर की हेल्प से क्वाइल को नीचे कर सकते हैं। पत्ती की इन हेल्प से भी इसको नीचे करेंगे यू को, ताकि ऊपर वाला क्वाइल हमारा आसानी से डल जाए। हमने दूसरा क्वाइल डालना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड इसकी स्टार्टिंग की पिच रहेगी 1 से 4 और 1 से 6, और इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा स्टार्टिंग का वो रहेगा 33। स्टार्टिंग पिच रहेगी 1 से 4, 1 से 6, और इसकी जो टर्न रहेंगी स्टार्टिंग की वो रहेंगी 150, यानी कि 150। और स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा स्टार्टिंग का 33। सेफ्टी नंबर से वाइंड कीजिए, 1 से 4, 1 से 6 पिच रखिए और टर्न डालिए 150। बहुत ही बढ़िया मोटर चलेगी। अगर आपको इस डाटा से कोई परेशानी आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे जितने भी डाटा होते हैं मोटर के वो टेस्ट किए हुए होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि हमारा भी जो वीडियो बनाने का मोटिव है कंप्लीट हो। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है वीडियो में, और अगर वीडियो को अच्छा बनाने में आपका कोई सुझाव है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, कि मैं इससे बढ़िया वीडियो कैसे बना सकता हूँ। फ्रेंड्स हमने तीसरा कॉल डालना स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो दिन के टाइम में बनाया जा रहा है और थोड़ी सी रोड पे आवाज ट्रैफिक चल रही है, उसकी वजह से हम क्षमा चाहते हैं। वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है बिकॉज रोड पे आज ट्रैफिक और क्राउड बहुत ज़्यादा है। आप ये प्लास्टिक हैमर से कॉइल को नीचे बिठा सकते हैं। 3 क्वाइल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट क्वाइल रह गया, उसको भी हम डालेंगे। आप पत्ती की हेल्प से जू को नीचे कीजिए, ताकि आपके ऊपर वाले क्वाइल जो आसानी से डल जाए।
अब हम लास्ट कॉइल डालेंगे। पार्ट टूट गए भाई, पार शाम तक बने भाई किन्ने दा भाई पार दा 50 रुपए दा पार्ट ਫਿਰ ਜਸ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਜੇ ਸੁਣ ਬਿਆ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਣੇ ਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੁਧੀਰ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਧੀਰ तो फ्रेंड्स हमारे चारों कॉइल डाल चुके हैं, आप इसमें सेपरेशन डाल के इसके कनेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ये देखिए हमारे सारे कॉइल डाल चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।